धर्म नगरी काशी में सी क्लिप पर चल रहे भगवान जगन्नाथ अब स्वस्थ हो गए हैं। 15 दिन बाद अब उनका कपाट भी खुल गया है। बीमारियों से स्वस्थ होकर भगवान जगन्नाथ अब मनफेर के लिए नगर भ्रमण पर निकले हैं। बकायदा डोली में सवार होकर भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र भी उनके साथ इस नगर भ्रमण पर हैं। नगर भ्रमण के बाद वह अपने ससुराल चले जाएंगे। बता दें कि काशी में यह अद्भुत परंपरा रथ यात्रा से जुड़ी हुई है। वाराणसी के अस्सी स्थित जगन्नाथ मंदिर से जब भगवान की यह डोली यात्रा निकली तो उनके साथ सैकड़ों भक्त भी इस यात्रा में शामिल हुए। जगह जगह इस डोली यात्रा का स्वागत हुआ और भगवान जगन्नाथ पर पुष्प भी बरसाए गए। जगन्नाथ मंदिर के पुजारी राधेश्याम पांडे ने बताया कि भक्तों के मुंह में भगवान जगन्नाथ अत्यधिक स्नान के कारण बीमार होते हैं और फिर 15 दिन वो भक्तों से दूर रहते हैं। इस दौरान उन्हें परवल और मसालों से बने काढ़े का भोग लगाया जाता है। इस काढ़े के सेवन के बाद जब भगवान जगन्नाथ स्वस्थ होते हैं तब उनकी रथ यात्रा शुरू होती है। 7 जुलाई से भगवान रथ पर विराज होकर भक्तों को दर्शन देंगे। काशी में रथ यात्रा की शुरुआत 1802 से हुई थी। उसी समय से भगवान के नगर भ्रमण की ये परंपरा भी चली आ रही है। इस बार इस परंपरा के 222 साल पूरे हो गए हैं। धार्मिक मान्यता है कि काशी में होने वाले इस रथ यात्रा में जगन्नाथपुरी के रथ यात्रा के दर्शन के बराबर ही फल मिलता है।